सिमडेगा से महागठबंधन ने कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता भूषण बारा को अपना प्रत्याशी बनाया है। भूषण बारा का मानना है कि सिमडेगा की जनता इस बार बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगी और उन्हें अपने विधायक बनाएगी। भूषण बारा से बात की हमारे सहयोगी नीलेश सिंह ने। हमारे साथ इस वक्त हैं सिमडेगा से कांग्रेस प्रत्याशी भूषण बाड़ा जी, युवा नेता हैं, इनसे बात करते हैं। भूषण जी, एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट इस बार कांग्रेस ने दिया है, आप एक युवा कार्यकर्ता हैं, बहुत सक्रिय रहे थे पार्टी में, टिकट मिला आपको, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके, किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में उतरेंगे आप, मुकाबला काफ़ी कठिन है? देखिए, हमारा सिमडेगा जो डिस्ट्रिक्ट और हमारा सिमडेगा विधानसभा है, ये हमारा झारखंड के एकदम आखिरी छोर पर है। हमारा ये सिमडेगा जिला इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, और जिस तरह से ये किनारा में है, अभी हमारा झारखंड अलग हुआ 19 साल हो गया, 17 साल हमारे बीजेपी सरकार की राज है यहाँ, और इन सुदूर क्षेत्रों में उनका कोई इस तरह से मैंने कि इनका ध्यान नहीं है सरकार का। अब अभी हम अगर जैसे घर से निकलते हैं, हमारा रोड पूरा जर्जर है, यहाँ बिजली का व्यवस्था ठीक नहीं है, पीने का क्या पानी है का सही यहाँ व्यवस्था नहीं है, इस तरह पूरा जितने भी समस्या का अंबर लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी के का इस ओर एकदम ध्यान नहीं है। तो अगर मैं अगर इस हमारा जो सोच है और कांग्रेस पार्टी का नीति सिद्धांत है, ये विकास पे देने के ध्यान देती है, विकास पे राजनीति करती है, ये इसमें सभी क्षेत्र सभी लोग हर व्यक्ति का विकास के लिए सोचती है कांग्रेस पार्टी। तो हमारा यही है, हमारा चुनाव अगर हम जीतते हैं और हमारा जो विजन है कि मैं इस क्षेत्र का हर क्षेत्रों पे विकास करूंगा मैं, और जितने भी यहाँ के लोगों का, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसमें आदिवासी थोड़ा सा इनका हर मामले में थोड़ा सा ये लोग अभी विकसित हुए नहीं हैं, राजनीति भी हम लोग सही से समझ नहीं पाते हैं, हम लोग यहाँ दूसरे द्वारा हम लोग छले जाते हैं। मैं इनको थोड़ा सा इस लाइन में भी इनको मैं थोड़ा सा तैयार करने का प्रयास करूँगा, और इस क्षेत्र का हर यानी कि लाइन में और हर व्यक्ति का विकास करने का प्रयास करूँगा मैं, यही हमारी। तो ये थे भूषण बाड़ा जी, जिनका ये मानना है कि सिमडेगा का विकास अब तक नहीं हो पाया, जबकि यहाँ से सरकार में मंत्री भी रह चुकी है यहाँ बीजेपी की विधायक, और इन्होंने ये कहा है कि अगर ये जीतते हैं तो पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे, साथ ही साथ अपने मुकाबले में ये किसी को भी नहीं आंकते। कैमरामैन संतोष रॉय के साथ नीलेश सिंह, कशिश न्यूज़, सिमडेगा। अपन झारखंड बस इतना ही।